मेरे सवालों का सिलसिला यहीं तक था, लेकिन अभी शो खत्म नहीं हुआ। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे इस इंटरव्यू में, और वो बहुत ही स्पेशल है। इस शो की प्रोड्यूसर है, थिंक टैंक है, एंड ब्यूटीफुल पर्सनालिटी महक मखीजा है। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि आगे की अपनी रूपरेखा और अपने सवाल, जो शायद मैं नहीं सोच सकता उस वहां तक, वो सोच को आपके सामने रखें। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक बार आप सबके बीच बुलाना चाहूंगा द वन एंड ओनली महक मखीजा। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। फैजल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। अक्सर देखा गया है कि लड़कियों की कहानी लड़के अपने नजरिए से बताते हैं, लेकिन एक लड़की ही जानती है कि वो खुद किन संघर्षों से गुजरी है। लड़की को बताना पड़ता है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जाके भी अपने करियर बना सकती हूँ, लेकिन लड़कियों के साथ टाइम बाउंडेशंस, कपड़ों के बाउंडेशंस, फैमिली का ये रहता है कि एक ही शहर में रह के आप इस टाइम तक आप वापस आ जाओ जस्ट बिकॉज आप गर्ल हो। लेकिन लड़कों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ज्यादा किसी की नहीं, अपनी ही बात करूंगी। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। मेरे मॉम डैड को मनाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए इस फील्ड में आने के लिए। जब मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया तो कुछ रिलेटिव्स, जब हम एक सर्कल कंप्लीट कर देते हैं फैमिली को मनाने का, तो बीच में कुछ रिलेटिव्स आते हैं जो पिन कर देते हैं, और हम फिर एक लड़की दोबारा उसी सर्कल पे जाके घूम के वापस वहीं खड़ी हो जाती है। फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस, टाइम बाउंडेशंस, कपड़ों की बाउंडेशंस, एक शहर से दूसरे शहर में जाके करियर बनाना, फैमिली को बहुत डर लगता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, और मेरे पेरेंट्स मुझे फ्रीडम देते हैं कि वो मैं किसी भी शहर में जाके किसी भी समय जाके अपना करियर बना सकती हूँ। फैजल जी, आपसे मेरा पहला सवाल, जब बात एक लड़की की आती है किसी भी फील्ड को लेकर, तो सबसे पहले पूरा परिवार उसकी सेफ्टी को लेकर हजार बार सोचता है एज कम्पेयर टू बॉयज। बॉयज कभी भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को अगर सक्सेस हासिल करनी है तो फैमिली रिस्ट्रिक्शंस में रह के वो कैसे अपने सक्सेस को हासिल कर सकती है? तो बहुत गंभीर सवाल है, और आई होप मैं कुछ इसमें गलत ना बोल दूं, या अगर कुछ बोलूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करना। सबसे पहली चीज तो मैं ऐसा नहीं मानता कि लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लड़कों पर नहीं। शायद कहीं होते होंगे या अधिकतर होते होंगे, लेकिन मम्मी पापा लड़कियों के दुश्मन तो नहीं है। उनकी अगर सेफ्टी चाह रहे हैं तो उनके कुछ रीजंस है। जैसे जैसे मैं लड़कों को खराब नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि एक फितरत है शायद लड़कों की, कि वो लड़कियों को जब देखते हैं, मे बी मैं भी हूँ आप भी हो सब है, तो ख्याल अजीब आते हैं, एंड ये लड़कों की रियलिटी है। मैंने मेरे सर से सुना था कि भगवान राम ने जब सीता मैया की खोज करने के लिए लक्ष्मण जी को बोला कि तुम जाओ, मैंने सुना था, मुझे नहीं पता कितना सही है नहीं, तो उन्होंने कहा मैं जाऊंगा भी तो लाऊंगा कैसे? उन्होंने कहा क्यों? कहते आज तक मैंने उनके पैर ही देखे। तो जो पहले के लोग हुआ करते थे ना, वो लोग आंखें भी नहीं मिलाते थे। अब वो उनके रीजन है अलग अलग। जैसे अगर आप आंखें मिला के देखोगे उनको, लड़कियों को, तो शायद संभावना है कि आपके अंदर वो फीलिंग्स आए, नहीं लड़के के हिसाब से शायद, मैं जैसा बोल रहा हूँ। तो उस तरीके की सेफ्टी के लिए शायद माँ बाप आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं कहीं कहीं पर, बट बहुत सी जगह पर नहीं भी, क्योंकि हम ज्यादा सुनते हैं लड़कियों के साथ में अत्याचार होता है, इसलिए जो मम्मी पापा है वो क्राइम पेट्रोल देखते तो और ज्यादा डरते हैं। जब ऐसी चीजें देखेंगे तो हमारे दिमाग में अलग ही एपिसोड चलता रहता है क्राइम पेट्रोल का, तो वो और उनको ऐसा महसूस कराता है कि यार हमारी बेटी सेफ है, हमारी बेटी सेफ है। बट लेट मी टेल यू, ऐसा लड़कों के साथ भी है। मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ से मुझे आगरा ट्रैवल करना है, लेकिन मेरे मम्मी पापा स्ट्रेस्ड है कि मैं ठीक से पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा, बिकॉज मैं अकेला आया हूँ। लास्ट टाइम पे मैं किसी के साथ आया था, बट इस बार भरोसा हो गया है, सारी चीजें हो गई, पहला पहला टाइम था, ऑफकोर्स होता है। सो मैं खुद भी अपनी सेफ्टी लेके चल रहा था कि मैं सही से जाऊँ, मैं सही से आऊँ, क्योंकि इंसिडेंट्स होते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ में होते हैं, आप लोगों को पता है। सो इट्स नॉट जस्ट कि रेस्ट्रिक्शंस है तो वो लड़का और लड़की से होगा, कि लड़का लड़की को छेड़ेगा, ऐसे नहीं होता।
कभी कभी आपकी जान का भी खतरा होता है, आपके बहुत सारे डिसगाइज दुश्मन हो गए जो आपके ग्रुप में हो गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो शायद माँ बाप ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वो लोगों ने वो दौर देखा है जहां पर ये ज्यादा होती थी चीजें। मेरा मानना ये है कि अभी सपोज अगर फॉरेनर्स की बात की जाए, जो बाहर के लोग हैं, वो ये सब माहौल में दे आर अहेड, मेरा मानना है ये कि वो लोग आगे है, इसीलिए उनके यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, बहुत ज्यादा होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रेप केसेस एंड ऑल सारी चीजें। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग थोड़े से ना मेंटली फ्री हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सोच पहले से आगे थी जी। हमारे यहाँ पर क्या है, इट विल टेक सम टाइम कि वो एरा जो है नॉर्मल हो, वो लोगों की सोच नॉर्मल हो। अभी क्या हो रहा है कि हमारे जो माँ बाप थे वो लोग बहुत ऐसे बंदर्स में रहते थे, सो अब वो हमें आगे जाने के लिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने चीजें देखी है। अब मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बेटी को शायद रोकोगे या बेटे को रोकोगे, है ना। तो वैसे ही आपके साथ जो और आगे बच्चे बढ़ा रहे वो भी वही थिंकिंग में रखेगा, तो नॉलेज बढ़ेगी, लोग थोड़े से पढ़े लिखे होंगे। एंड इसका सबसे मेन मुद्दा जाता है पढ़ाई लिखाई पे। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप ऐसी कोई चीजें नहीं करोगे जो किसी का नुकसान करे या ऐसी कोई हरकत करे। सो यहाँ पर रही बात घर वालों की सेफ्टी, जो वो लोग सोचते हैं स्पेशली लड़कियों को लेके। और अगेन आई सेड कि लड़कों का भी सेम होता है, जैसे मैं अभी 25 का हूँ, मैं 25 में तो लोग क्या क्या नहीं कर देते। मेरा एक लौता ट्रिप जो फ्रेंड्स के साथ गया था मैं, वो उत्तराखंड था, जो मैं पिछले साल गया था उसके थोड़ा सा जस्ट पहले, और उसके बाद मेरा भी वडोदरा का ट्रिप था। बस इसके आगे पीछे मैंने कभी ट्रिप किया ही नहीं है फ्रेंड्स के साथ ऐसे। वो क्यों? क्योंकि मेरी सेफ्टी को लेके, नॉट बिकॉज आई एम अ सेलिब्रिटी और व्हाटएवर, इट्स जस्ट कि माँ बाप को होता है कभी कभी कोई चीज होती है जैसे कि नजर लगती है। मेरे साथ तो बहुत होता है, देखो काला धागा पहन रखा है मैंने, आई बिलीव ठीक है, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मम्मी पापा को स्ट्रेस होता है कि कहीं ऐसा कुछ ना हो, ऐसे मल्टीपल रीजन है। रही बात लड़की की कहीं और जाके दुनिया बसाने की, तो उनको पता है कि हमारी बेटी कभी शादी होके जाने वाली है ना, right. तो उसके पहले वो वैसे ही शहर दूसरे में जाए। सो अगर मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, तो मैं कभी सोचता हूँ कि मम्मी पापा की यही फीलिंग क्यों होती है, लड़कियों को लेके ही क्यों होती है। तो सेफ्टी पहली होती है, दूसरी चीज ये होती है शायद कि ये जाने ही वाली है तो अभी ये क्यों जाना चाहती है हमसे दूर, यू नो। सो बहुत सारे रीजंस होंगे, शायद मैं इतना नहीं समझ पा रहा हूँ मम्मी पापा की फीलिंग को, बनेंगे शायद तब पता चलेगा। लेकिन अब तक का मेरा मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि इसलिए शायद वो ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं। एंड स्पेशली जब हमारी रात की बात की जाए, तो रात में आपने देखा होगा टैक्सी ड्राइवर, वॉचमैन और जो बुलडोजर चलाता है, ये वो सब ज्यादातर लड़के होते हैं, राइट? राइट। एंड अगेन आई सेड कि लड़कों की फितरत, ऐसा नहीं कि कुछ गलत ही कर देंगे, बट यार एनीथिंग कैन हैपन। हमें थोड़ा सा न्यू जनरेशन में जाने के लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी लड़कियां नहीं घूम सकती, घूम सकती, बट पर्टिकुलर कोई कोई जगह है जहां पर शायद खुद से भी जाने में शायद लड़कियां डरे, लड़के भी डरे। एक है, एक बहुत पहले मैंने एक इंटरव्यू नहीं, बिग बॉस में देखा था सिद्धार्थ शुक्ला का, ही इज नो मोर, आई होप उनकी आत्मा शांति है। उन्होंने कहा था कि मेरे घर में कोई लड़का और लड़की में डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि लड़कियां कमजोर है और लड़के पावरफुल है, ऐसा नहीं हमें सिखाया। कहता है, उन्होंने कहा था कि मेरी बहन है मुझसे बड़ी है, मैं उससे छोटा हूं, हम दोनों लड़ते हैं, मारते एक दूसरे को, सॉल्व करते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते थे लड़ो मरो क्या भी करो, ऐसा कभी नहीं कहा कि वो छोटी है तो तू उसको मत मार, या सॉरी वो लड़की है तो मत मार, ना ही उसको कहा कि तू लड़का है तो मत मार, तुम दोनों इक्वल हो, जो करना है बाहर में जाओ। तो आई थिंक ये मेंटालिटी सबकी रहेगी तो शायद सब एक इक्वल पोजीशन पे आ जाएंगे, सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे वैसे, ना कि उतार चढ़ाव में देखे। और अगर ऐसा रीजन है भी तो वो लॉजिकल रीजन से देखे, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, राइट? तो या आई थिंक थोड़ा जितना मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से दे सकता था, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। जैसे इन्होंने बेसिकली पूछा है कि रिस्ट्रिक्शंस में रहकर सक्सेस हासिल कैसे करें, और खास करके इस इंडस्ट्री की। यार ऐसे देखा जाए तो आप लोगों के सामने कितने सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे जो मतलब जितने हीरोज हैं बॉलीवुड में उससे ज्यादा फेमस तो हीरोइंस हैं, तो आई एम श्योर कि उनके यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे, तब जाके वो लोग आगे बढ़े हैं। अगर
मैं अपनी पार्टनर की बात करता हूँ वैष्णवी पाटिल, उसने कितने सारे रियलिटी शोज जीते, उसके घर में ऐसा लगता है ट्रॉफी की दुकान है, लिटरली ऐसा लगता है मैं घर जाके आया हूँ, अभी झलक दिखलाजा कर रही है। सो उसके भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है, बट क्या होता है ना, अगर आपको करना है तो आप, वो पुणे में रहती है, मुंबई में भी नहीं रहती है, अच्छा तो मुंबई से 3-4 घंटे दूर है वो, तो फिर भी वो करी जा रही है वीडियो ऑनलाइन जैसे 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 हो सकता है। हमारे शो में कितनी सारी लड़कियां काम करती है, वो सारे लोग के पास भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे, या अब मम्मी पापा के नहीं होंगे, घर के नहीं होंगे तो खुद के तो होंगे अपने ऊपर अपने हिसाब से, तो वो सब के बाद अगर वो कर पा रहे तो आई डोंट थिंक कि ये कोई लड़का और लड़की में कुछ होता है, जिस की आप पर होता है। अगर आप टैलेंटेड हो तो आप घर पे बैठ के वीडियो बना के भेजो, आप सिलेक्ट हो जाओगे। मैं कितनी बार सिलेक्ट हुआ ऐसे, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इसे फोन पर ऐसे वीडियो बनाया भेज दिया, और ऐसी कितनी सारी लड़कियां भी हुई है जो सिलेक्ट हो जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जाना है, हम ना यही खो जाते हैं इसमें कि लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, इसमें ना पूरा खत्म हो जाएंगे किसी दिन हम लोग, है ना। वो सब चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि नहीं मिलता। एक एक एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा कि बहुत सारी लड़कियों को मना करते हैं डांस के लिए, राइट, है ना, ये होता है। अब वो उनके रीजन है, वो लड़की है, वो अपने हिसाब से बात करे। मेरी मम्मी ने मुझे मना किया था, अब मैं ये थोड़ी बोलूंगा मैं लड़का हूं तो मुझे मना कर रहे। मेरी मम्मी ने क्यों मना किया था, बिकॉज मैं पढ़ाई में पीछे जा रहा था, मैं खाना नहीं खाता था बिल्कुल, 12-12 घंटे यूज टू प्रैक्टिस। सो मम्मी ने बोला कि तू ऐसे करेगा तो डांस वांस छोड़ दो भाई। तो डीआईडी का जो मैं कह रहा हूँ ना, वो सीजन मेरा लास्ट था, अगर मैं उसमें सिलेक्ट नहीं होता तो मैं डांसर नहीं होता, मैं पढ़ा लिखा एक कोई इंजीनियर होता और डांसिंग इंडस्ट्री एक्टिंग इंडस्ट्री से बहुत दूर, ऐसा मेरा ये था। तो मना तो सब करते हैं, बट आपको अपनी बाउंड्स तोड़ के आगे जाके विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स आपको करना पड़ता है अगर आपको अचीव करना है कुछ, राइट। तो मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है, अक्सर बोला जाता है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लेकिन अगर हार्ड वर्क हटाकर कॉम्प्रोमाइज लिख दिया जाए तो बनता है कॉम्प्रोमाइज इज द की टू सक्सेस। अगर हर लड़की कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो जाए तो क्या उसका सफर आसान हो जाता है? हाँ, ये तो मतलब आपकी अदालत में बैठा हूँ सर। कॉम्प्रोमाइज का इनका मतलब आप डेफिनेशन दे सकते हो, आप बता सकते हो ऑडियंस को थोड़ा सा इनडायरेक्टली। सी, कॉम्प्रोमाइज का बेसिकली अटेंशन वो मेंटली भी है और कहीं ना कहीं वो फिजिकली भी है। तो इनका कहने का मतलब है कि हार्डवर्क जो है वो कहते हैं हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, अगर हार्ड वर्क, क्योंकि मेहनत ही सफलता का राज है इस इंडस्ट्री में, मेहनत को अगर हटा के एक लड़की अगर कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी हो जाए फिजिकली मेंटली दोनों, तो क्या उसको हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, उसका सफर आसान हो जाएगा। तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब यह है कि आप मेंटली फिजिकली या जो भी व्हाटएवर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने आपको। सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा होता है इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री बहुत डार्क भी है और ऐसा सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, लड़कों के साथ भी होता है, मेरे साथ हो चुका है। हाँ, हो चुका है। वो आपको सामने से वही चीज होती है अगेन जो मैंने पहले बताया था, मीडिएटर। ये सर, ये पुरानी बात होगी नहीं? नहीं, हाँ मतलब पुरानी, मतलब अभी एक्सीडेंट की बात की। अच्छा, हाँ। सो ये काम ज्यादातर आई डोंट थिंक कि बड़े बड़े लोग करते होंगे, क्योंकि अगर उत्कर्ष जी अपने आखिर के ऊपर प्रोजेक्ट पे पैसे लगा रहे, सो वो अपने अपने शो की हीरोइन के लिए, अपने फिल्म की हीरोइन के लिए उसको कॉम्प्रोमाइज करवा के कोई डब्बा माल नहीं ला सकते। डब्बा माल का मतलब ये है कि कोई जिसमें टैलेंट ही नहीं है, जिसको आता जाता भी नहीं है कुछ भी, राइट। आप पैसे क्यों लगा रहे हो? ये काम मीडिएटर ज्यादा कर रहा है, और ये चीज होती है। लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें सीरियल करना है या मूवी करनी है, सीरीज करनी है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, वट एवर वो लोग जो बात करते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू अगेन। अगर आप उनकी तरह गूगल पे कर दोगे पैसे, जो मैंने स्टार्ट में बोला था, तो वो आप अपना नुकसान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज यू डोंट नो कि सामने वाला इंसान प्रॉमिस कर रहा है वो होगा या नहीं होगा। और अगर वो मान के चलो कोई लड़की है, अगर उसके साथ में ऐसी कोई चीज हुई और उसने एक्सेप्ट किया, पहली चीज तो उसने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया, कोई जबरदस्ती तो आई डोंट थिंक, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें, और उस लड़की को एक्टिंग आती ही नहीं है, कैमरे के सामने क्या करेगी? आप जैसे लोग अगर मूवी जाके थिएटर में देखोगे तो आप तो उसके एक्टिंग पे जज करोगे ना, पसंद ही नहीं करोगे तो फिर तो वो वैसे ही वेस्ट है, राइट। तो अगर कैमरे के सामने जाके कुछ भी नहीं करने वाले हो आप,
तो फिर आपका कॉम्प्रोमाइज करके मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आता है तो कॉम्प्रोमाइज करो, ये सब बेवकूफ़ी है। क्योंकि आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ वो लोग अपने टैलेंट के दम पर आए हैं, और इतनी सारी लड़कियां हैं जो आई थिंक इस शो में अगर मौका मिले तो बुला के बात करवा लेना, मैं नाम नंबर सब दे दूंगा, वो लोग इतना कुछ बोल सकते हैं उनके पर्सनल इंसिडेंट के बारे में भी कि क्या क्या होता है। बड़ी बड़ी चीजें छोड़ दिया उन्होंने, ये अपने इस चीज से दूर रहने के लिए। सक्सेसफुल नहीं है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करके सक्सेस मिलती है, बट जो भी है अपनी लाइफ में खुश है, एटलीस्ट बट से है, इतना किया अब लेकिन हक से किया। ऐसा है कितने सारे लोग हैं जो रोते हैं कि यार ये हो गया था हमारे साथ, तो क्यों, तब तुम्हें अकल नहीं थी क्या? तुम्हें सिखाया सब जाता है, तुम्हारी मर्जी के ऊपर सारी चीजें होती है। अगर आप ऐसे मीडिएटर के पास फंसोगे या ऐसी जगह पर फंसोगे ना पे आपको टैलेंट ही नहीं है, कुछ आपको आता पता नहीं है, एंड देन फिर आप रोगे फिर इंडियन। अगर आप में टैलेंट ही नहीं है तो आप कैमरे के सामने आके क्या करोगे? कॉम्प्रोमाइज करके क्या कर लिया आपने? क्या बहुत बड़ा काम कर लिया? कुछ भी नहीं किया, ये तो बकवास है। जब तक आपके पास टैलेंट नहीं है ये कैमरा आपको नहीं कैप्चर करेगा, और कैप्चर कर भी दिया तो वो फुटेज कचरे में जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि अगर आप पे टैलेंट ही नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज का कोई फायदा नहीं, तो इसका क्या मतलब? आप ये कहना चाह रहे हैं जिस पे टैलेंट है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है? एग्जैक्टली, मैंने ये अभी रिपीट भी किया था। सो ऐसा नहीं कि आप में टैलेंट है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, वो ऑप्शन है ही नहीं, इट्स टोटली अप टू यू। वो आपकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ में, इट्स अप टू यू। रही बात मेरी, तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर मैं किसी कास्टिंग में गया था एक ऑडिशन देने के लिए। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेरे हिसाब से। बाद में मुझे कोऑर्डिनेटर के थ्रू एक न्यूज़ आती है कि फैजल ऐसा ऐसा चीज़ है, तुम अच्छा कर चुके हो, सिलेक्ट हो चुके हो, सारी चीज़ें परफेक्ट है, लेकिन मैंने कहा लेकिन कॉम्प्रोमाइज, मैंने कहा ये क्या है, मतलब आई हैव जस्ट ग्रोन अप, मैं भी बड़ा हूँ। तो कहते वो सामने वाला, वो कौन था लड़का कास्टिंग में, तो वो ऐसा मैसेज पहुंचा रहा था कि वो कि लाइक ही हैज ग्रोन अप एंड आई वांट टू सी हिम। मैंने कहा भाई ड्राइवर बन लेंगे, यू नो ये सब क्या है। सो अभी नाउ मेरे पास जितना भी टैलेंट है बट आई हैव सम, बट आई डिड नॉट चूज दैट, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है टैलेंट के दम पे जितना कमा सकते कमाएंगे, खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा भूखे मरेंगे, बट एटलीस्ट ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे ना जिसका रिग्रेट हो। Exactly. इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, फ्लॉप जाती है फिल्म्स, तो समझ जाओ कि अगर किसी ने ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया, एक्टिंग करी, फिल्म चली भी गई और कचरे में भी गई, तो कितना बड़ा रिग्रेट हो कि यार ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, नाम भी खराब हो गया, अभी क्या करना है। तो ऐसी चीज है। सो ऐसा नहीं कि टैलेंट है तो आप सारी चीजें करो, इट्स अप टू यू, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें पता है कि आपको अगर किसी और को गूगल पे करोगे तो पैसे बर्बाद ही होने और कहीं नहीं। अच्छा यार, हाँ गूगल पे, हाँ हाँ वो पकड़ लिया मैंने, वो कहा।